गाइस रियली बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और सीरियसली दिस इज़ हैपनिंग और जो मैं हमेशा चाहता था वो सच में हो रहा है पॉसिबली। डंकी वर्सेस सलार, एसआर के वर्सेस प्रभास, मॉन्स्टर वर्सेस डायनासोर, ये होने वाला है सच में। आई शपथ गाइस झूठ नहीं बोल रहा हूँ वरना मैं चैनल बंद कर दूंगा। ये कंफर्म न्यूज़ हो चुकी है। खुद तरण आदर्श ने ये अपने इंस्टाग्राम हैंडल में आई थिंक FB में बताया, फेसबुक पर बताया कि प्रोड्यूसर जो है मोबाइल फिल्म्स के वो रिलीज़ करने वाले हैं 22 दिसंबर को ये फिल्म और ये 2-3 दिन में अनाउंस भी कर देंगे और डंकी के साथ ये फिल्म क्लैश होने वाली है और ये सेकंड टाइम होगा मोबाइल फिल्म्स के लिए कि वो क्लैश कर रहे हैं SRK के साथ। इससे पहले 2018 में KGF चैप्टर 1 आया था और जीरो फिल्म आई थी, उसको रिलीज़ किया गया था दोनों को और वो टाइम अलग था। अब आप जानते हैं हालात बदल चुके हैं, ज़माना बदल चुका है, तकदीर बदल चुकी है, सब कुछ चेंज हो चुका है SRK के लिए भी और होमेबल फिल्म्स के लिए भी। और लास्ट 2 फिल्म SRK की मेगा ब्लॉकबस्टर साबित रही है हिंदी फिल्म्स में और वहीं सलार के जो मेकर हैं प्रशांत नील, बच्चा बच्चा जानता है उनको साउथ से लेकर नॉर्थ तक, उनकी फिल्म्स के बारे में, KGF यूनिवर्स के बारे में। तो एक्साइटिंग होगा भाई किस तरह का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और कुछ ट्रेड एनालिस्ट कह रहे हैं कि यार ये क्लैश नहीं होना चाहिए, रिलीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों फिल्मों को नुकसान हो सकता है पॉसिबली। बट आई थिंक यार मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में यार ये बिल्कुल सही है, क्लैश होना चाहिए। एंड हम देख चुके हैं इस साल सबसे बड़ा क्लैश हुआ था ओपेनहाइमर और बारबी, दो एक डिफरेंट फिल्म थी और उसको रिलीज़ किया गया था एक साथ और दोनों फिल्म को सभी वर्ल्ड वाइड लोगों ने इन्जॉय किया, सेलिब्रेट किया। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे भी यार ये पॉसिबल है, होना चाहिए। और कौन अगर इसको डिले करेगा, कौन करेगा? मुझे नहीं लगता इसको कोई डिले करने वाला है। ऑलरेडी SRK ने अपनी डेट वहाँ पे फिक्स कर चुके हैं और सितंबर को रिलीज़ होनी थी ये फिल्म सलार और डिले हो गई ड्यू टू सम रीज़न और मुझे नहीं लगता इसको और फर्दर वो डिले करेंगे और डेफिनेटली मेकर्स भी नहीं पीछे हटने वाले हैं। तो ये तय है कि बहुत बड़ा क्लैश ये देखने को मिलने वाला है हमें दिसंबर में। आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे, मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि ये क्लैश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एंड गाइज एक्साइटिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भाई दो अलग फिल्में रिलीज हो रही हैं और SRK ने अभी दो जो फिल्में थी वो एक्शन फिल्में करी हैं और ये डंकी फिल्म कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म होने वाली है, ट्रीटमेंट अलग होने वाला है, एक ड्रामा कम कॉमेडी फिल्म होने वाली है राजू हिरानी का जो स्टाइल है मेकिंग का। और वहीं सलार एक पूरी एक प्योर एक्शन मूवी होगी प्रशांत नील के, आप डायरेक्शन को सब जानते हैं। तो एक्साइटिंग होगा किस तरह से वो रिप्रेजेंट करने वाले, मे बी एक नए अवतार में प्रभास को वो दिखाने वाले हैं। इससे पहले जो हमने प्रभास को पसंद किया था बाहुबली में, कुछ उससे भी ज़्यादा आइकॉनिक वो निकाल के लेकर आने वाले हैं। दोनों भाई चैंप है अपनी फील्ड में और वहीं जो डंकी के जो डायरेक्टर हैं राजू हिरानी एस डायरेक्टर हैं और उनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और वो सिनेमा को कॉमर्स को अच्छे से जानते हैं। वहीं प्रशांत नील भी एक मंझे हुए डायरेक्टर हैं और उन्होंने प्रूव किया अपनी फिल्मों से। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बज क्रिएट होने वाली है एंड मैं देखना चाहूँगा यार ये क्लैश डेफिनेटली होना चाहिए और एक्साइटिंग होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी, ऑडियंस के लिए भी और विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए। तो गाइस लेट्स सी क्या होता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो गाइस चैनल को आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा नेक्स्ट वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने रिकमेंडेशन डाली है वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते।